और इस तरह से जब आप करेंगे तीन तीन तरीका को अपना करके, तो आपको मतलब 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं एक नया वीडियो शूट कर रहा हूँ, और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई तुम मतलब वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा है। तो दोस्त मैं अभी बता सकता हूँ, मतलब आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं भी अभी ITI सेकेंड ईयर का जो CBT एग्ज़ाम होने वाला है, थ्योरी वर्कशॉप और एम्प्लॉयबिलिटी का तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के कारण मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एडिटिंग वगैरह ये सब होता है, 4-5 घंटा का टाइम लग जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप अपना तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसको मतलब पूरा एक्सप्लेन करके आज बता देना चाहता हूँ, और आप लोग भी इसी तरह से तैयारी करें, 100% आपका मतलब मार्क्स आएगा। और हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा मतलब फर्स्ट ईयर में कितना एग्जाम आया, मतलब कितना मार्क्स आया था। तो मेरा मार्क्स आया था 608। इसका परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 86 पॉइंट कुछ कुछ होता है, आप लोग कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। तो इतना मार्क्स आया था, कुछ मतलब मैं बताया था आपको कि 80 में से मेरा 77 सही है, लेकिन 77 सही नहीं था, मेरा कितना 6 गलत हो गया था, यानी कि 74 मेरा सही था। तो इसके अनुसार से नंबर आ रहा है, बाकी स्कूल के द्वारा प्रैक्टिकली सब दिया गया था, असाइनमेंट वगैरह का। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल से कि किस प्रकार से हमें जो CBT सेकेंड ईयर का हम लोग का होने वाला है एग्ज़ाम, उसका तैयारी कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जितना भी सेकेंड ईयर का है थ्योरी का, उसका पूरा PDF डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको किस तरह करना है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है, आप लोग देख सकते हैं हार्ड कॉपी में इसको पूरा ऐसे करके निकाल लेना है, जाना है साइबर कैफे, जो भी पैसा लगेगा इसको निकाल लेना है। और इसमें क्या करना है, इसका आंसर भी सब कुछ दिया है, इसमें देख सकते हैं आंसर वगैरह सारा कुछ दिया है। तो आप लोग इसका आंसर इस तरह से देखिए, आंसर यहाँ पे सारा कुछ ये वाला आंसर दिया है, इस तरह से आंसर आप लोग देख देख के इसमें टिक आउट, जैसे चार ऑप्शन रहता है ना, इसमें चार ऑप्शन रहता है, तो टिक आउट करके आप लोग रख लेंगे पेंसिल से या तो पेन से। उसके बाद उसको क्या करेंगे, बार बार उसको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका मतलब आज एक बार पढ़ें, ठीक है, आज आज एक चैप्टर का पूरा रीडिंग किए, अब दोबारा जब रीडिंग कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपका मतलब माइंड में कैप्चर हो जाएगा कि कौन सा मेरा ऑप्शन वहाँ पे मतलब हमको क्लिक करना है। और हाँ, ये हो गया पहला बात, फर्स्ट में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का निकालना। ये देखिए, ये मेरे पास मतलब फोर्थ सेमेस्टर का ये वाला है, और ये वाला मेरे पास थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। तो दोनों आप लोग निकाल लेंगे हार्ड कॉपी में, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात ये हो गया कि ग्लोबल ITI चैनल जो है, उसमें बहुत सारा वीडियो मतलब सर मतलब कितना 500 क्वेश्चन का सीरीज एक बार चलाए थे, उसका वीडियो पूरा देखो, जितना हो सके उतना देखो तुम लोग, और उसका तैयारी करो। ये हो गया सेकेंड। और थर्ड हो इसका है, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक ऐप है निमी मॉक टेस्ट ऐप, इसमें जा करके रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी कर लॉगिन करके, उसके बाद वहाँ पे थ्योरी सेलेक्ट करके, सेमेस्टर 3 एनुअल हम लोग का, ये सब क्लिक वगैरह करके किस तरह से मतलब टेस्ट दिया जाता है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और हो सकता है मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, वो ऐप को डाउनलोड करके उसमें न्यू टेस्ट में जा करके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो रहता है, इलेक्ट्रीशियन चूज करना है, और उसमें थ्योरी का आपको बार बार टेस्ट देना है, बहुत सारा, 25 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का, इसी तरह से आपको बहुत सारा टेस्ट देते रहना है। लगभग दिन भर में 10-20, जितना मतलब जितना कैपेसिटी है आपका उतना दीजिए, उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा। और हाँ, जो आपका गलत होता है उसके बाद उसको छोड़ मत दीजिए, नया मत दीजिए, एक काम कीजिए उसको जैसे टेस्ट दे दिए, ठीक है। उसके बाद उसका जो रिव्यू करने का देता है रिपीट टेस्ट, आप रिपीट टेस्ट में जाकर के रिपीट कर सकते हैं, उसको दोबारा दे सकते हैं, नहीं तो उसको रिव्यू में जा करके उसको मतलब व्यू आंसर रहता है वहाँ पे ऑप्शन, आप कीजिएगा तो आपको सारा पता चल जाएगा। व्यू ऑप्शन में जब क्लिक कीजिएगा ना, व्यू आंसर में, तो वहाँ पे सारा ऑप्शन आपने क्या सही किया क्या गलत किया वो वहाँ पे दिया रहता है। तो इसको जब देखेंगे तो आपका माइंड में क्या होगा कि ज़्यादा देर तक याद रहेगा ऑप्शंस। और इस तरह से जब आप करेंगे तीन तीन तरीका को अपना करके, तो आपको मतलब 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मतलब 20 से स्टार्ट होने वाला है, 20, 21, 22, और मेरा 23 को है, तो मैं भी अभी लगा हूँ। और हाँ, अगर हो सकता है, अगर आप लोग कुछ अगर कमेंट उमेंट करेंगे, अगर आप लोगों को चाहिए तो हो सकता है मैं सीरीज स्टार्ट कर दूंगा इलेक्ट्रीशियन का जो भी चल रहा है, मतलब कितना क्वेश्चन, लगभग 4.5 क्वेश्चन है, नहीं 5.5 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन है, तो इसका सीरीज मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, उसका वॉइस ओवर रहेगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है इसका जानकारी आपको पता चलते रहे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।